but I'm wrong. हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही फायदेमंद लड्डू जो भुने हुए चने से बनते हैं। ये मैंने 1/2 kg भुना हुआ चना ले लिया है और मैंने लिए हैं 150 ग्राम बादाम, 150 ग्राम काजू और 100 ग्राम नारियल लच्छा। इन सारी चीज़ों को हमने पीसना है, काजू को भी पीसना है, बादाम को भी पीसना है और लच्छे को पीसना और इसको चने को भी पीसना है। चलिए हम जल्दी से अपने सारे इंग्रेडिएंट पीसते हैं। चलिए हम अपनी इंग्रेडिएंट इसमें जार में ऐड करते हैं। जब तक मैं सारे इंग्रेडिएंट पीसती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। अब इसको सब जो जो पीसते जाएंगे वो सब हम इसमें ऐड करते जाएंगे, सिर्फ चनों को छोड़कर। मैंने सारी चीज़ें इसमें पीस कर डाल लेनी है। देखिए मैंने चने भी पीस लिए हैं और बाकी चीज़ें भी पीस ली हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बताना थी। जब आप किसी भी तरह का मीठा बनाएं तो आप सबसे पहले उस चीज़ का मीठा नापें जिस चीज़ को आप बनाने वाली, जो मेन इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये चना, इसको हमने नापा, ये एक कटोरा ये है और आधा कटोरा इसके साइड वाला, तो इसका आधा हम शुगर लेंगे और उसका शुगर का आधा हमने घी लेना है। ये रेशियो आपका हमेशा काम आएगा, जो कि मेन इंग्रेडिएंट के आधी शुगर लगती है और उसका आधा घी लगता है, जो कि मैंने देसी घी पहले से ले रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना घी ऐड कर, सबसे पहले हमें गोंद फ्राई करना है, तो गोंद को हम थोड़ा सा फ्राई करने के लिए घी ऐड करेंगे। ये मैंने गोंद लिया है, जिसे गोंद कटीरा कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, हम इसको ही यूज़ करेंगे। आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जब भी आप गोंद फ्राई करें तो पहली बात तो घी इतना क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि आपका गोंद अच्छे से फ्राई हो सके, और जब तक घी अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक गोंद डालना भी नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है और हमारा गोंद भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में। चलिए हमारा गोंद फ्राई हो चुका है। चलिए हम अपना ये जो चना पीसा था हम इसको ऐड कर देते हैं, और रेशियो हमने वही अपना रखा है, चने का आधा शक्कर और शक्कर का आधा घी। अगर आपको बीच में थोड़ा कम लगे, अभी लगेगा आपको ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको घबरा कर इसमें और ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये फैल जाएंगे। अब इसको हम स्लो फ्लेम पर भून लेते हैं। ये देखिए हमारा जो मटेरियल है वो भुनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, और इसको अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद, और अब इसको हम प्रॉपर इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि शुगर भी हमने पीस ली है, तो इसको जब अगर हम गरम गरम शुगर में ऐड करेंगे तो शुगर मेल्ट हो जाएगी और वो अपना पानी छोड़ देगी, तो हमें वो नहीं करना है, नहीं तो हम इसमें सब मिक्स करके ऐसे ही डाल देते। लेकिन अब इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो हमने निकाले थे वो सब डालें, और इसमें ये अपना हम गोंद ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोंद का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को खड़ा खड़ा पसंद है इसलिए हम लोग खड़ा खड़ा डालते हैं। चलिए हम इसको ठंडा होने देते। हेलो, देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, ये ठंडा हो चुका है। अब हमने जो अपने ड्राई फ्रूट और शक्कर जो पीस कर रखी थी, इसमें हम ये मिक्सचर अपना ऐड कर देते हैं। चलिए हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट एक साथ कर दिए हैं, अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए हमारे लड्डू जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमने वही रेशियो रखा था जो आपको बताया था, आप भी उसी हिसाब से, अगर आपको थोड़ा सा खुश्क लगे तो आप थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकती हैं। और हम अपने लड्डू बनाकर रखते हैं सारे। नहीं,
ये देखिए।